शुक्राने नेमत के हवाले से, शुक्राने नेमत का सबसे अजीम मर्तबा यह है, सबसे बुलंद मुकाम यह है कि बंदा रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह की बंदगी करके, रोजा रख के, सहरी इफ्तारी करके, नमाज को अदा करके, बैतुल्लाह का हज उमरा करके, बड़ी बड़ी इबादतें करके अल्लाह के सामने शुक्रगुजार बन जाए, अल्लाह के सामने अपने सर को झुका दे। किस बात के ऊपर शुक्रिया अदा करना? अल्लाह तूने मुझे इबादत की तौफीक दे दी है, मैं इस तौफीक पर आपका शुक्र अदा करता हूं। आप देखें कलामे मजीद में दो किस्म के लोग हैं जिनका तज़किरा है। एक वो कि जिनके आमाल अफ़आल पर शैतान को बड़ा मान है। अल्लाह ने इस गिरोह का नाम हिजबुल शैतान, शैतान का लश्कर, शैतान का चेले, शैतान के चमचे, शैतान का गिरोह रखा है। इस गिरोह की अलामात, खूबियां, औसाफ, सिफात, निशानियां अल्लाह ने कलामे मजीद में तफसील के साथ बयान की हैं। दूसरा गिरोह वो है कि जिनके आमालो अफ़आल पर, जिनकी सुथरी सीरत पर, जिनकी पाकीजा सीरत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा मान है। अल्लाह ने इनका नाम इबादुल्लाह, इबादुर रहमान, हिजबुल्लाह, अल्लाह की जमात, अल्लाह का गिरोह, अल्लाह के बंदे, रहमान के सच्चे बंदे, ये अलकाब अल्लाह ने रखे हैं। अल्लाह ने इस गिरोह के भी औसाफ, सिफात, अलामतें, खूबियां, निशानियां कलामे मजीद के अंदर बयान की हैं। उन अलामात में से एक अलामत, उन सिफात में से एक सिफ्त, उन औसाफ में से एक वस, उन निशानियों में से एक निशानी अल्लाह ये बयान करते हैं, व इबादुर रहमानिल्लदीना यमशूना अलल अर्ज़ी हुना, मेरे जो बंदे होते हैं हर हाल के अंदर मेरे सामने झुक के रहते हैं। इबादात को देख लीजिए, माह रमजान इबादतों का महीना है, सहरी की, इफ्तारियां की, आखिरी अशरे में एतकाफ किया, रातों का कयाम किया, कुरान की तिलावत की, महीना गुजरा, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अब नमाज ईद के लिए तुम खुले मैदान में जा रहे हो, हाँ खवातीन भी आए, बच्चे भी आए, उलामा भी आए, नौजवान भी आए, बुजुर्ग भी आए, लेकिन आने का अंदाज क्या हो? आने का अंदाज ये हो, हर एक की जुबान पे ये कलमा होना चाहिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ऐ अल्लाह, मैं रोजा रख के, मैं सहरिया करके, मैं इफ्तारिया करके, मैं रातों का कयाम करके, मैं कुरान की तिलावतें करके, मैं दिन भर की इबादत करके, मैं रातों की इबादतें करके, मैं एतिकाफ करके, अल्लाह मैं बड़ा नहीं हो गया, बड़ा तू ही है। कहा जब मैदान से वापस पलटो, ईद उल फितर को अदा करके अपने रास्ते को तब्दील कर लो, ताकि हर गली में, हर कूचे में, हर बाजार में, हर ईंट के ऊपर ये मोहर सब्त हो जाए कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ऐ अल्लाह, सारा कुछ करके हम बड़े नहीं होगे, बड़ा तू है। नमाज अदा करते, नमाज का आगाज अल्लाहु अकबर, अल्लाह मस्जिद में आके मैं बड़ा नहीं हो गया, रुकू में गया, अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह मैं अपनी कमर को हालते रुकू में खम करके बड़ा नहीं हो गया, सजदे में गया, अल्लाहु अकबर, सजदे से सर को उठाया, अल्लाहु अकबर, जब नमाज को मुकम्मल किया, क्या हुक्म है? बुलंद आवाज से कहो अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह, मैं सजदा करके, मैं रुकू करके, मैं कयाम करके, मैं इबादतें करके, मैं सर को झुका के, मैं कमर को झुका के, अल्लाह मैं बड़ा नहीं हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े आप ही हैं। रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, अल्लाह के सामने हुस्ने इबादत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपने मुझको इबादत की तौफीक अता फरमा दी है।